दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं चाय पिलाकर वशीकरण। चाय पिलाकर वशीकरण मंत्र बेहद आसान होता है। जी हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में चाय लोगों को बहुत पसंद है। चाय का इस्तेमाल करके आप अपने मन की बात पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे आपकी प्रेमिका हो, चाहे आपके प्रेमी हो, आपकी पत्नी हो या फिर आपके पति हो या फिर कोई और हो जिससे आप अपने मन की बात करवाना चाहते हो, बस आपको बनानी है एक कप गर्मा गर्म चाय और आपको ये उपाय करना है। ऐसा कोई वशीकरण मंत्र या टोटका जो आप जानना चाहते हो, जो कि बेहद आसान हो, तो इस वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से अंत तक देखते रहें। मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगी जो आपको इस्तेमाल करनी होंगी। चाय के द्वारा वशीकरण की विधि बहुत ही सरल होती है। इसका उपयोग इंसान के मन और मस्तिष्क को काबू में लाने के लिए किया जाता है। कुछ ऐसी चीजें जो आपको इस्तेमाल करनी होंगी, मैं बताती हूँ वो चीजें क्या है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए होंगी 2 इलायची 2 लौंग, चाय की पत्ती, शक्कर और आपको चाहिए गाय का दूध। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको चाहिए 2 इलायची 2 लौंग, इसका इस्तेमाल आपको करना है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है वो भी आप देख लीजिए। चाय की पत्ती और शक्कर और गाय का दूध ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको लौंग और इलायची लेनी है। लौंग और इलायची को आपको एक कागज में इस तरह से मोड़ के रख लेना है। जी हाँ, मोड़ना इसलिए है कि आपको एक पुड़िया बनानी है। अब इस पुड़िया को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर आपको पसीना आता हो, आप इसे वहां रख लीजिए। और उसके अलावा आपको इसे बस रखना है 24 घंटे के लिए। उसके बाद आपको जब इसे आप वापस निकालें और इसे खोल दें, इसके बाद आपको बनाना है इसका चूर्ण। चूर्ण यानी इसे अच्छे से कूट लीजिए और उसके बाद आप इसका पाउडर फॉर्म बना लीजिए। अब आपको चूर्ण को चाय में मिलाते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है, सिर्फ 11 बार। 11 बार आप उस मंत्र को बोलिए। मंत्र जो है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। मंत्र है ये मंत्र, आप देख लीजिए, ओम कामदेवाय संभोग अमुक वशवश्यम क्रूम क्रूम स्वाहा। इस मंत्र में आपको अमुक की जगह पर उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिसे आप वश में करना चाह रहे हैं। अमुक की जगह पर उस व्यक्ति का नाम बोलते हुए आपको ये 11 बार मंत्र बोलना है। और ये जो पाउडर आप बनाएंगे लौंग और इलायची का, इस पाउडर को आप चाय में मिला दीजिए। उसके बाद जब आप ये चाय उस व्यक्ति को पिलाएंगे जिसे आप वश में करना चाहते हैं, जिसका नाम आपने यहाँ पर बोला था, तो वो व्यक्ति आपके वश में होगा। जी हाँ, तो ये बेहद आसान तरीका आप कीजिए। आपको बता दें, आप इसे अच्छे व्यवहार, अच्छे विचार के साथ ही कीजिएगा। आपके जीवन की जो भी समस्या है वो जरूर खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई सहायता चाहिए, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों, कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस उपयोग को कीजिए, ये उपयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा दिन नहीं है। याद रखें, जिस समय आप इसको रख रहे होंगे अपने शरीर के साथ टच करके, उस समय आपको उस व्यक्ति का दिमाग में ध्यान रखना है। उस व्यक्ति की अगर आपके पास कोई फोटो है तो आप फोटो को सामने रखते हुए और उसको सोचते हुए उसके बारे में, उसके बाद आप लौंग और इलायची को अपने शरीर से टच करते हुए 24 घंटे के लिए रख दीजिए। इस तरह से ये उपाय आपका पूरा हो जाएगा। और आज का वीडियो आपने हमारा देखा, उसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।